हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है नए दिन नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को श्री शिवाय नमस्ते। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो आज मैं करने वाली हूँ पूरे घर की सफाई, क्योंकि दीपावली आ रही है। अब 4-5 ही दिन बचे हैं, तो मैंने कहा आप घर को थोड़ी साफ सफाई कर ली जाए, बच्चे भी चले गए हैं स्कूल दूर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं फैन की सफाई करती हूँ। फैन देखिए कितने गंदे हुए हैं हमारे, ये देखिए बहुत गंदे हैं। तो मैंने इसके लिए यहाँ पे सीढ़ी रख ली है, इस पर चढ़ के हम फैन की सफाई करते हैं। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ ऊपर फैन को साफ करने, और मैं फैन रखती हूँ साफ। तो आप देखिए, जय सियाराम। कोई भी काम करने से पहले भगवान जी को याद करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने भगवान जी को याद कर लिया है, अब मैं करती हूँ सफाई। ये देखिए मेरी जस्ट है, अरे अभी मैंने साफ किए थे तो अभी डस्ट कहाँ से आ रहा था। तो दोस्तों, मैंने एक फैन साफ कर लिया है, एक मैंने सूखा कपड़ा बना रखा है, एक गीला। अब मैं गीले से उसको साफ करती हूँ, और क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, अब इससे साफ हो जाएगा, चमक जाएंगे। तो अब मैं करती हूँ, आज मेरा टारगेट है ये चारों फैन साफ करूँगी और दो रूम करूँगी, दोनों रूम खिड़कियाँ और दो रूम, देखती हूँ कितना हो पाता। तो अब मैं सेकेंड फैन साफ करने जा रही हूँ, एक मेरा कंप्लीट हो गया। जब सारे क्लीन कर लूँगी उसके बाद मैं आपको सारे फैन दिखाऊंगी। फिर मेरे को सारी जालियाँ भी निकालनी है, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी और आप देखना, एंजॉय करना। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करिएगा। तो आप बने रहिए और मैं सफाई में जुड़ी हुई हूँ, और मैं थोड़ा थोड़ा आपको। तो दोस्तों, अब मैं जालियाँ निकालने लगी हूँ, अब मैं जाली साफ कर लेती हूँ। जो रूम के फैन साफ कर रही हूँ उसी रूम की मैं जाली भी साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि एक रूम क्लीन हो जाएगा। तो दो रूम मेरे अभी कंप्लीट होने वाले हैं, फिर दो रूम अभी और बचे हैं, दो रूम के फैन साफ करने हैं और वहाँ की जालियाँ निकालूँगी। और धीरे धीरे कर रही हूँ, ओके, क्योंकि दिन भर तो घर ही पर हूँ। मैंने कहा आराम से कर लेती हूँ, बच्चे आएंगे मेरे 2:30 बजे, मैंने कहा कोई नहीं, आराम से कर लेती हूँ सफाई। तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही, लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरे 3 बहन कंप्लीट हो गए हैं, अब एक और बचा हुआ है। अभी मैं घर की हालात दिखाऊंगी कैसा हो रहा है। मेरा घर पूरा फैला पड़ा है, 1 घंटा हो गया मुझे सफाई करते करते, 8 बजे से शुरू किया था, 9 बज गए हैं। अभी एक रूम का फैन बाकी है, फिर मेरे को 2 खिड़कियों की सफाई करनी है। पता नहीं कैसे होगा, मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, इतने में मैं थक चुकी हूँ। तो देखते हैं कैसे मैं क्या करती हूँ। तो दोस्तों, मैं दिखा रही हूँ कितना ही डस्ट निकली है, ये देखिए पूरे घर में ऐसे मेरा घर फैला पड़ा है। अब मुझे ये वाली विंडो साफ करनी है और ये वाली करनी है, दोनों रूम की। तो अब मैं विंडो साफ करने जा रही हूँ, और आप बने रहिए और देखते रहिए। मैंने फैन साफ किए थे, इतनी डस्ट निकली, आज तो पूरा घर फैल गया, पता नहीं कब क्लीन होगा ये। तो दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ खिड़की साफ करने। अब मैं खिड़की, ये पहले खिड़की है, फिर सेकेंड रूम की खिड़की है, तो पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, फिर उसको क्लीन करेंगे। तो आप
देखिए मैं किस तरह से साफ करूँ, इतनी ज़्यादा डस्ट हो रही है दोस्तों, कितनी भी सफाई कर लो ना कम ही पड़ती है। घर पे ऐसा नहीं कि नहीं करते, हर हफ्ते मैं सारी खिड़कियों की सफाई करती हूँ, हर हफ्ते फैन साफ करती हूँ, तब भी इतनी डस्ट है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। मेरे को 2.5 घंटा हो गया सफाई करते करते, अभी तो कुछ भी नहीं किया है मैंने, पूरा घर फैला पड़ा है मेरा। कोई नहीं, धीरे धीरे करते हैं, बच्चे तो आएंगे 2:30 बजे, तब तक तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा, मेरे को 1 घंटा भी मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए। फिर बच्चे आ जाते हैं ना, फिर रेस्ट नहीं कर पाती हूँ, फिर वो आते हैं उनको खिलाने तक 3 बज जाते हैं, फिर उनको होमवर्क कराओ थोड़ा, वो खेलते कूदते हैं वैसे ही 4 बज जाते हैं। अब दिन तो दोस्तों मैंने पूरा घर क्लीन कर दिया है और 1 बज गए हैं 8 बजे से। अब मेरा कुछ काम तो ख़त्म हो ही गया है, अब मैं इनको पर्दे वॉश करने हैं, सोच रही हूँ कल कर दूँगी इनको। तो ये मेरे जो ब्लॉक है ना दोनों एक साथ आएंगे 2 दिन के, क्योंकि मैंने कहा एक साथ ही बना दूँगी। ये पर्दे मैं कल धो लूँगी, बाकी मेरा हो गया है, और वो वाले फ्लावर रहे हैं बाकी फ्लावर भी धुल गए, और ये रहा लटका। इतना मेरा काम फिनिश हो गया, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना रूम क्लीन किया है, तो आप देखिए। मैं सबसे पहले आपको फैन दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने शुरुआत फैन से ही की थी। ये देखिए इतना क्लीन हो गया है, और ये देखिए पूरा घर साफ हो गया, उस समय पूरा कचरा पड़ा था इधर। ये देखिए ये वाला फैन भी साफ हो गया एकदम मस्त। किचन, और मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला रूम भी मेरा क्लीन हो गया है। ये वाली खिड़की मैंने साफ की थी अभी, और दिखाती हूँ मैं आपको और मैंने क्या साफ किया था। चलिए ये देखिए ये पूरी खिड़की क्लीन हो गई, ये भी क्लीन कर दिया, ये पूरा ही रूम मैंने पूरा क्लीन कर दिया, पूरा क्लीन हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, साफ साफ घर हो गया मेरा। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको, कल पर्दे धुलेंगे, तो आप बने रहिए। सो गाइस, अभी मेरी मम्मी बाथरूम में काम कर रही हैं, दिवाली की सफाई कर रही हैं। हम तो सुबह स्कूल चले गए थे, वो अकेले ही पता नहीं क्या क्या सारा काम कर रही हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कर रही है चुपचाप से, उनको पता नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पर ये देखिए मेरी मम्मी यहाँ पर टेडी बेयर सब टेडी बेयर डॉल वगैरह सब बना रही है, सुबह से लगी हुई है। ये देखिए तो दोस्तों आज मैं सुबह से लगी हूँ, बीच में मैंने 1-1.5 घंटा रेस्ट किया था, फिर माइंड में चला कि नहीं टेडी बेयर भी साफ कर लेती हूँ, तो सारे टेडी बेयर लेके आ गई हूँ। तो शाम के 6 बजे है ना, हाँ। मैंने कहा जल्दी से धोल लेती हूँ, फिर मैं जाती हूँ वॉक करने। तो दोस्तों मैं अभी कर रही हूँ फिर इसकी सफाई, अभी शाम के बजे हैं 7:30, इसके पापा ऑफिस से नहीं आए, मैंने कहा फ्रिज की सफाई कर लेते हैं। मेरा प्यारा सा बेटा पढ़ाई कर रहा है अपना, स्कूल का होमवर्क कर रहा है, मैंने यहाँ सारा फैला, ये देखिए अब मेरा साफ हो गया है, और मैंने कहा 1 घंटा ऐसी बैठने से अच्छा है कि एक काम निपट जाएगा। अब मेरे केवल बच गए हैं पर्दे साफ करने, वो कल करूँगी। तो दोस्तों आज मैं करने जा रही हूँ पर्दों की सफाई, इनको धुलाई करते हैं आज। अभी सुबह के बजे हैं 7, मैंने बच्चों का टिफिन पैक कर दिया है, तो मैंने कहा सुबह पानी आता है, जल्दी जल्दी सारे पर्दे 1 घंटे के लिए भिगो देते हैं, छोड़ देते हैं पानी में, जो भी होगा इसकी गंदगी निकल जाएगी, और उसके बाद फटाफट आज पर्दों की सफाई करती हूँ, और आज मैं किचन की करूँगी, पर्दे और किचन। रूम तो क्लीन कर दिया मैंने, फिर उसके बाद मेरा बच जाएगा केवल मंदिर। तो अब मैं फटाफट से मैंने सारे पर्दे निकाल दिए, पर्दों की सफाई करने जा रही हूँ, और आज मैं जो करूँगी वो आपको दिखाने जा रही हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ पर्दे निकालती हूँ तो आपको दिखाती हूँ, तो आप
चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों अब मैं आपको ले चलती हूँ बाहर। पानी चला गया है लेकिन मेरा काम भी फिनिश हो गया है। पर्दे सारे धुल गए हैं, किचन के जो भी मैंने बर्तन रखे थे, बर्तन स्टैंड जो भी था, सारे धुल गए हैं। लेकिन अभी बाहर मुझे पूरी सफाई करनी है। मैंने कहा कोई नहीं, तो मैं आपको ले चलती हूँ बाहर। पीछे देखिए मैंने सारे सोफे से फैला रखे हैं क्योंकि सारे पर्दे निकाले थे। तो आपको ले चलती हूँ बाहर। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ नीचे। अब मैं आई हूँ किचन में। अब देखिए मैंने किचन ऐसे फैलाया है पूरा पूरा। नीचे भी देखिए पानी पानी है। तो अब मैं जल्दी से किचन क्लीन कर लेती हूँ। ये दीवार भी मैंने कुछ साफ कर ली है। अभी सारे बर्तन हैं तो अब मैं जल्दी से किचन को क्लीन करती हूँ और फिर मिलूँगी आपसे उसके बाद। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, और क्योंकि जल्दी से इसको फिनिश कर लेती हूँ। अभी टाइम हो गया है 10 बज गए। 7 बजे से लगी हूँ मैं, 10 बज गया। तो अभी मेरे को लगेगा 1 घंटा और, क्योंकि पूरा रूम झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं। तो आप बने रहिए और मिलती हूँ कुछ देर में आप लोगों से। तो फाइनली दोस्तों मेरा सारा काम फिनिश हो गया है। आज भी 1 बज गया है, 1 से ज़्यादा ही हो गया देखिए। लेकिन मैंने सारा काम डन कर डाला, एकदम फिनिश। अब मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। अब केवल मेरा मंदिर रह गया है। मंदिर अब मैं 1-2 दिन बाद आराम से करूँगी क्योंकि अभी टाइम है। अब मैं दिखाती हूँ, मैंने सारे पर्दे छत पर डाले थे वो मैंने दिखाया है आपको, लेकिन जब मैं लाई वो नहीं दिखा पाई क्योंकि थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा। और देखिए पसीना पसीना भी हो गया। अभी देखिए मेहंदी मेरी सारी निकल गई अभी क्योंकि काम हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं दिखाती हूँ आपको पर्दे। देखिए मैंने सारे पर्दे लाके सारे मैंने जिसकी जगह जहाँ पर है सब सेट कर दिए हैं। देखिए अब कितना बढ़िया लग रहा है घर मेरा। और ये देखिए सारे मैंने पर्दे सेट कर दिए लगा के। और ये देखिए सारे पर्दे लग गए। अब ये धोने हैं झूमर, इनको धो लूँगी, हल्के फुल्के ही हैं। ये देखिए ये भी लग गए, ये भी लग गया। और मैं अपने सारे बच्चों के टेडी बियर भी ले आई, अपनी रानी को भी ले आई। ये भी सूख गए थे, मैंने कल रात में सारे वॉश कर लिए थे। और मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना किचन। आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि साफ साफ हो गया। सफाई तो हम रोज़ ही करते हैं लेकिन थोड़ा रहता है। ये देखिए ये पूरा स्टैंड मैंने साफ किया था। ये सारे मैंने दिखाए हैं आपको, पूरी गैस वैस सब सेट कर दिए मैंने अच्छे से। अब बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा किचन क्लीन हो गया मेरा, साफ साफ लग रहा है। अब थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन 2 दिन में मैंने सारा ही कर डाला। क्योंकि अगर काम छेड़ो ना फटाफट कर लो तो सही रहता है, नहीं तो फिर करना है वाला काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि करना है खुद से तो कर लो। मैं सुबह 7 बजे से जुड़ी थी, 1:30 बज गया, अब 2:30 बजे बच्चे आते हैं, खाना बनाना है। अभी दाल बनी है मेरी क्योंकि सुबह ही बन जाती है, सुबह ही मैं खाना सारा प्रॉपरली बना लेती हूँ। जब आते हैं तो रोटी बनाती हूँ और चावल जब खाने वाले होते हैं चावल बना देती हूँ। अब कुछ टाइम मैं रेस्ट करती हूँ। अब मैं इतना थक गई, हाथों में भी दर्द कर रहा है मेरे। दीपावली तो हमारी ऐसी है क्योंकि पापा जी मेरे अभी 4 महीने कंप्लीट हुए हैं, 5वां महीना चला है। पिछली दिवाली में थे, पिछली दीपावली में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ऐसे लग रहा था कि दीपावली नहीं मना पाएंगे, पता नहीं भगवान जी की कृपा हुई। उसी दिन वो ठीक हुए थे, उसी दिन उनने बोला चलो बेटा दीपावली मनाओ। मेरे पापा जी इन चीज़ों के बहुत शौकीन थे,
कोई भी फेस्टिवल आता था ना, बहुत अच्छे से इंजॉय करते थे हम लोग। वो भी बोलते थे हमसे, बहुत अच्छे से मनाते थे। अब साफ़ सफाई तो करनी है, लेकिन उनकी यादें मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो 1.5 साल पूरा बिस्तर में रहे, मेरे साथ ही रहते थे। मैं 24 घंटे रहती थी उनके साथ। अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वही है कि साफ़ सफाई करनी है। लेकिन बच्चे मेरे बहुत उदास भी हैं इस बार, क्योंकि दीपावली ऐसा फेस्टिवल होता है जैसे पटाखे ये सब चीज़ें लाते हैं, तो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ये सब तो हमें करना नहीं है, साफ़ सफाई तो रोज़ ही होती है। अभी दीपावली के बहाने से और अच्छे से हो गई है। हल्की फुल्की जो भी होगा मनाएंगे, मैं जो भी करूँगी शेयर करूँगी आप लोगों से। लेकिन मिस यू पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। पिछले साल थे दीपावली में, वो बहुत मिस कर रही हूँ मैं। पिछले साल दीपावली के दिन 12 बजे से ही वो कुछ ठीक हुए थे, तब जाके मैं सारा दीपावली का सामान मार्केट से लाई थी। जब वो थोड़ा बैठे, कह रहे थे दीपावली है झालर लगाओ, तब हमने झालर लगाई थी, सारी लाइटिंग की थी बाहर। इस बार ऐसी सारे फेस्टिवल ऐसी के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़रूरी करनी होती हैं। जैसे करवा चौथ तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, बड़ सावित्री है वो छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन मैं कोई भी फास्ट नहीं कर रही हूँ, जैसे नवरात्रि का करती थी मैं, सावन के सारे सोमवार तो मैं पूरे ही करती हूँ, साल भर के कुछ नहीं कर रही हूँ। पंडित जी से कहा, उन्होंने कहा नहीं बेटा, करवा चौथ और बड़ सावित्री छोड़ा नहीं जाता है। तो कोई हम नई चीज़ ले भी नहीं रहे, क्योंकि 1 साल तक कोई नई चीज़ लेते भी नहीं है। तो जो है उसी में मैंने करवा चौथ में भी अपना काम चला लिया था। अभी भी हम कुछ नई चीज़ें नहीं लेंगे 1 साल तक। जो पहाड़ी लोग हैं उनको तो सब पता है, पहाड़ी लोगों में थोड़ा ज़्यादा ही इन चीज़ों का रहता है। अब 5 महीने उनको कंप्लीट होंगे अगले महीने। मिस यू पापा, बहुत मिस कर रही मैं आपको, क्योंकि ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत याद आती हैं। क्योंकि पापा हमारे ऐसे थे ना, जैसे कोई भी फेस्टिवल आ रहा होता था तो हम ना भी चाहे ना तो बहुत अच्छे से वो कहते थे नहीं बेटा करना है, बच्चे हैं करो ये, खुद ही मतलब बहुत इंतजारी में रहते थे, इंतज़ार करते थे फेस्टिवल का। अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन वही है कि करना पड़ता है। बच्चे छोटे हैं ना, उनके साथ करना पड़ता है। मेरा छोटा वाला बेटा तो बहुत परेशान है, रो भी रहा था। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, दीपावली तो हम अगले साल मना लेंगे, लेकिन दादाजी थोड़ा ना आएंगे। लेकिन मान जाते हैं बच्चे दोनों मेरे। तो अब मेरे को मंदिर की सफाई करनी है, क्योंकि घर में तो हम पूजा पाठ करते ही हैं, मंदिर नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, नई चीज़ें नहीं खरीदनी है। तो घर पे तो डेली हम पूजा पाठ करते हैं, तो मंदिर की सफाई करनी है। अब मंदिर की जब सफाई करूँगी वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आज का ब्लॉग यहीं तक का था, मिलूँगी एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आज मैं अकेले ही अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे गए हैं स्कूल। अब मैं उनके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तो बाय।